सारे कल के सपने हमारी जिंदगी की बुनियाद होते हैं। ये सपने ही होते हैं जिनके पीछे भागकर इंसान अपना भविष्य बनाता है। जरूरी नहीं कि सबके सपने पूरे ही हो जाएं, मगर कोशिश करने का हक तो सबको मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रिलोडेड में। हमारा आज का केस एक ऐसा ही केस है जिसमें कोशिश तो दूर, विक्टिम के सपनों की उड़ान को जमीन पर ही काट दिया गया था। एक बेहतरीन भविष्य को बीते हुए कल की याद बना दिया गया था। एक ऐसी याद जो सालों बीतने के बाद भी जरा सा कुरेदने पर फिर से आंखों के सामने तैर गई थी। जनाब, अशरफ खान जी से मिलना है। जी मैं ही हूँ अशरफ खान, फरमाइए। अरे जनाब जी, मेरा नाम प्रशांत सिंह है और मैं न्यूज़ 13 चैनल के लिए काम करता हूँ। मेरा चैनल जो है एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है घाटी के पुराने केसेस पे, तो मुझे पता चला कि उनमें से किसी एक केस का इन्वेस्टिगेशन आप भी कर रहे थे। बस उसी के बारे में थोड़ा सा इंटरव्यू चाहिए था। कौन सा केस? उधमपुर 2015 IAS कैंडिडेट मर्डर केस। देखिए मैं रिटायर हो चुका, तो इस केस के बारे में क्या? किसी भी केस के बारे में मुझे कोई बात नहीं है। सर कुछ तो बता दीजिए सर। अरे भाई बोला मुझे कुछ नहीं बात करनी, पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन निकालनी है डिपार्टमेंट से फाइल निकलवाइए। सर ठीक है, आप कुछ मत बताइए, लेकिन उस फैमिली के बारे में बता दीजिए वो कहाँ है, क्योंकि पुराने एड्रेस पे वो मिली नहीं मुझे। क्या करेंगे आप उस फैमिली का? सर वो फर्स्ट हैंड डिटेल चाहिए थी, अगर आप बता दोगे तो फिर फैमिली से पूछना नहीं पड़ेगा। देखिए मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रहते, आप जा सकते हैं। बाय द वे क्या जानना है आपको? बस उतना बता दीजिए जो हुआ था उससे। सबा अब्दुल्ला नाम था उसका। भी आपने तो डरा ही दिया था। अहमद भाई डरा ही तो रहे थे, पर वैसे आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? अंदर कोई था नहीं, बैठे बैठे नींद लग गई। अच्छा ठीक है, अब हम आ गए, अब जाकर अपने कमरे में सो जाइए। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ यहाँ पे। अहमद भाई आपकी आंखों में नींद साफ नजर आ रही है, जाके सो जाइए। चलो सीमा, क्या हुआ? अरे क्या है, बार बार फोन क्यों कर रहे हो? कहाँ है तू और मेरा फोन क्यों निढारी तू? जहाँ भी हूँ ठीक हूँ, और फोन इसलिए नहीं उठा रही थी क्योंकि तुमसे बात नहीं करनी थी। ये बात ना अपने घर वालों को बोलना, जब मैं उनको बताऊंगा तेरी अय्याशियों के बारे में कि घर पे कम और बाहर ज्यादा रहती तू। रोहित तुम मुझसे ना जबान संभाल के बात करना, समझो तुम? सीमा तुम भी फ्रेश हो जाओ। सीमा देखो तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये तुम कह सकती हो सबा, क्योंकि तुम्हारे मेज क्लियर हो चुका है, मेरे तो इस बार भी रह गया। ऊपर से घर वाले रोहित से शादी करने के लिए मेरा जीना हराम किए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो तुम साफ साफ मना क्यों नहीं कर देती अपनी फैमिली को कि नहीं करनी रोहित से शादी? सभा क्या तुम मुझे 1,00,000 रुपए दे सकती हो? इतने पैसे क्यों चाहिए?
दिल्ली जाना है, वहीं से आईएएस की तैयारी करूंगी। देख सीमा, अगर मेरे पास होते तो मैं ज़रूर दे देती, बट आर यू श्योर कि तुझे ये करना है? मतलब कि दिल्ली कोई पास की जगह नहीं है। मैंने सोच लिया सबा, मुझे मुझे इन सबसे दूर जाना है बस। देख पिज्जा वाला आया होगा, मैंने हम दोनों के लिए ऑर्डर किया है, चल अब रोना बंद कर। मैम आपका पिज्जा। थैंक यू। कितना हुआ? 480 रुपए। एक मिनट। थैंक यू। जनाब, गांव के मुखिया जमील अब्दुल्ला की बेटी थी सबा अब्दुल्ला, साथ में उसकी सहेली थी सीमा भाई, जो फैमिली को जिंदा मिली है। काफ़ी खून बह गया है, फिलहाल उसे हॉस्पिटल भेजना है, काफ़ी क्रिटिकल है। दोनों घर पर अकेले ही थे? जी जनाब, माँ बाप रिश्तेदार के पास गए थे और भाई अजहर अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था जनाब। हमें जाना ही नहीं चाहिए था, आप चले जाते, हैदर चले जाता, मैं नहीं जाती तो कुछ नहीं होता। हमारी सभा को कुछ नहीं होता। जनाब यहाँ पे सीमा बेहोश पड़ी मिली थी। और कुछ? एक नौकर है जनाब, घर के आउट हाउस में रहता है। उससे कुछ पता चला? नहीं जनाब, कहता है कि गैरेंटी में सोया हुआ था, उसने कुछ नहीं सुना। तो फिर ये डेड बॉडी सबसे पहले किसने देखी? माँ बाप आ गए थे 5 बजे, पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म किया। शर्मा, लड़की को मारने से पहले टॉर्चर किया गया, वो चिल्लाई भी हुई, फिर आसपास किसी को कुछ सुनाई कैसे नहीं दिया? उसके गहने भी चोरी हुए। वही तो जनाब, सीमा ने भी गहने पहने हुए थे लेकिन उसके गहने चोरी नहीं हुए। जल्दबाजी में मर्डर को लूटपाट दिखाने की कोशिश की है और सीमा को कंट्रोल करने के बाद उसने सभा पर हमला किया होगा। टारगेट सभा ही थी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर सीमा आई विटनेस थी तो उसे सीमा को जिंदा क्यों छोड़ा? हो सकता है उसने सीमा को मरा हुआ समझ के छोड़ दिया। हो सकता है। इस सभा ने पिछले हफ्ते ही आईएएस का मेंस क्रैक किया था, अगर इंटरव्यू पार कर लेती तो उधमपुर की सबसे पहली वुमेन ऑफिसर होती। तो ये वो सभा अब्दुल्ला है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। और जनाब इसकी दोस्त सीमा इसके साथ प्राइवेट ट्यूशन किया करती है। एक काम करो, पड़ोसी उसे पूछताछ करो, देखो कि उन्होंने कुछ देखा है, कुछ सुना हो या नहीं। अरे सभा के गहने की डिटेल्स उसकी फैमिली के पास से लो और उसे सर्कुलेट करो। कभी किसी से कोई गलत बात नहीं की, किसी का कुछ गलत नहीं किया, जाने हमारा कौन दुश्मन था, मेरे बच्चे की जान। जनाब अभी हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, अभी ये हमारी हालत नहीं है हम किस सवालों के जवाब देने की। साहब थक गया था तो गहरी नींद में सोया हुआ था तो कुछ पता नहीं चला। फोन दे अपना, फोन दे अपना। कितने बजे आई थी सभा? जनाब कुछ 2 बजे। उससे कुछ कहा या फिर सीमा ने कुछ अजीब देखा या कुछ सुना? जनाब मैं बीच में पानी पीने के लिए उठा था तो मैंने कार जाती हुई देखी थी, 4 बजे के लगभग की बात है जनाब, लेकिन कार में कौन बैठा था और कार का नंबर क्या था ये नहीं पता मुझे, मुझे लगा कि कोई। झूठ क्यों बोल रहा, झूठ क्यों बोल रहा? गहरी नींद में था, थक गया था इसलिए कुछ सुना ही नहीं दिया। ऑनलाइन था तू और तूने लोगों को फोन किया है 2 से 4 के बीच में। वो शबनम को कॉल किया था मैंने। झूठ बोला है? कौन है शबनम? कौन है? शबनम मेरे गांव की है और हम दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन ये बात उसके परिवार वालों को नहीं पता है इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया। हाँ जनाब, जो कार मैंने जाते हुए देखी थी वो सिल्वर कलर की थी। जनाब पड़ोसी से पूछताछ करने की कोशिश की लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जनाब ये देखिए सीमा के फोन से क्या मिला। रोहित शर्मा,
ये रोहित के नंबर से सीमा को 6 बार कॉल आए और ये एक कॉल को छोड़कर सीमा ने किसी भी कॉल को आंसर नहीं किया। और जरा मैंने रोहित को कॉल करने की कोशिश की लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। शर्मा, ये रोहित के बारे में पता करो और ये घर का नौकर अहमद, उसने कहा कि उसने एक सिल्वर गाड़ी को यहाँ से तेज़ी से जाते हुए देखा। आसपास पूछताछ करो, किसी ने शायद उस गाड़ी को देखा हो। जनाब वही तो दिक्कत है, हमारी शक्लें देखते ही पड़ोसी अपने घरों में घुस जाते हैं। पड़ोसियों ने ऐसा क्या देखा था कि वो पुलिस वालों से भाग रहे थे? पड़ोसियों ने अगर कुछ देखा भी नहीं होता तब भी वो पुलिस से भागते। क्यों? कश्मीर आइए जनाब, यहाँ ऐसे ही होता है। सर सभा के बारे में कुछ बताइए, क्या बैकग्राउंड था, क्या थी उसकी जिंदगी, कौन थी सभा? कश्मीर की लड़कियों के लिए एक उम्मीद थी सभा। मिस सभा अब्दुल्ला, आपके सामने एक मामला आता है जिसमें एक 16-17 साल की लड़की अपने घर से भागकर अपने प्रेमी से शादी कर लेती है और लड़की की फैमिली लड़की के किडनैपिंग का केस दर्ज करती है, तो आप एज एन आईएएस ऑफिसर क्या करोगे? सर एज एन आईएएस मैं प्रायोरिटी पर लड़की की रिटर्न इंश्योर करूंगी फैमिली के पास। लेकिन लड़की ने तो अपनी मर्जी से खुद भाग कर शादी की है। सर लड़की नाबालिग है और भारतीय कानून के हिसाब से नाबालिग की शादी लीगल नहीं होती। वेरी गुड सभा, कीप इट अप। आप एज एन आईएएस इंडियन लॉ फॉलो करोगे ना कि अपने इमोशंस को। गॉट इट? सर वो बुक्स जो आपने बताई थी मैंने वो सारी पढ़ ली है आगे की प्रिपरेशन के लिए। अभी इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो, अभी तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है। सर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। तुम बिना मतलब का स्ट्रेस लेकर अपने दिमाग का प्रेशर बढ़ा रही हो, अभी जो पढ़ा है उसे ही याद करो और कल मिल गए, ठीक है? यस सर। टेंशन क्यों ले रही है, चल चाय पीकर आते हैं। नहीं यार सीमा, मुझे भी घर जाना है, पढ़ाई करनी है। और कितना पढ़ेगी? सर हमेशा बोलते रहते हैं उधमपुर की पहली आईएएस लेडी तू ही बनेगी। वैसे भी एक बार तू आईएएस बन गई तो हम गरीबों को कहाँ पूछने वाली है। चल अब नौटंकी बंद कर, चलते हैं चाय पीने। पर हाँ चाय के पैसे तू ही देगी, मैं नहीं दूंगी। ठीक है चल जल्दी। सभा अब तक घर नहीं आई है, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। जरा सब्र करो, बस आती ही होगी। कहाँ रह गई थी तू? 3 बजने को हैं। अरे दिन के 3 बज रहे हैं, रात के नहीं, क्यों परेशान होती हो? आप तो ना चुप ही रहिए, घाटी में हालात इतने खराब हैं और आपको तो कुछ पड़ी ही नहीं है। फिक्र ही करनी है तो अपने साहबजादे की करो। ये चल दिए आवारा गर्दी करने। ये सही है, वो लेट सभा ही है और ताने आप मुझे मार लो। तो सीखो अपनी बहन से कुछ, ढंग का काम काज करोगे तो कोई ताने क्यों मारेगा। अबू रहने दीजिए ना, आप भी क्या शुरू हो गए। भला बनने की जरूरत नहीं है तुमको, थोड़ा सा भी लेट हो जाती हो तो हम भी आसमान सर पे उठा लेती। और वैसे अगर थोड़े दिन कोचिंग नहीं जाओगी तो क्या बिगड़ जाएगा? कोचिंग क्यों नहीं जाएगी, वो घर बैठे रहेगी तुम्हारी तरह। अरे ठीक ही तो कह रहा है वो, घाटी में हालात थोड़े ठीक हो जाए। सब ठीक ही है, इतनी फिक्र हो रही है तो भेजो अपने बेटे को सभा के साथ, कल रोज लाएगा ले जाएगा। अरे मैं क्यों करूंगा? पूछ नहीं रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ सभा कल से तुम्हारे साथ जाएगा। अरे अबू मेरी जान सभा, मेंस का रिजल्ट आ गया, उधमपुर तो छोड़ पूरे कश्मीर से तूने क्लियर किया। सच? तुम्हारा नहीं हुआ? नहीं। सीमा तू अंदर चल, मैं आती हूँ। तुझे सीमा के रिजल्ट की बड़ी पड़ी है, मैंने क्लियर किया, मुझे तो कुछ नहीं कह रहा। हाँ कांग्रेचुलेशंस। इतना एटीट्यूड क्या दिखा रहा है, तेरी बहन ने मेंस क्लियर किया है, आईएएस ऑफिसर बनेगी। हाँ तो ठीक है, जब तू आईएएस बन जा रहा तो ड्राइवर मुझे ही रख लेना, और वैसे भी अभी तो ड्राइवर मुझे ही बना के रखा है। तो मत बन मेरा ड्राइवर, कौन कह रहा है तुझे, जा तू फ्री है मैं खुद आ जाऊंगी। अरे अबू मेरी जान ले लेंगे। और अबू को कौन बताएगा? देख मैं तो नहीं बताऊंगी, तू बताएगा क्या? नहीं ना, जा मस्ती कर। और हाँ अब मुझे ड्राइवर की जरूरत नहीं, ड्राइवर मुझे अब सरकार देगी। एक अच्छे आईएएस ऑफिसर के अंदर लोगों की समस्याओं को समझने और उनकी बेहतरी के लिए काम करने की जिद जरूरी होती है। सभा के अंदर ये दोनों ही खूबियां थीं। वो बेहद जिम्मेदार लड़की थी जिसे अपने करियर की चिंता के साथ साथ अपने परिवार और दोस्तों का ख्याल भी था। अगर वो आईएएस बनती तो बहुत ही अच्छी ऑफिसर बनती जिससे जनता के दर्द का एहसास होता। मगर उसकी प्रतिभा, उसके उज्जवल भविष्य की सारी उम्मीदें उसके मर्डर के साथ ही मिट्टी में मिला दी गई थी और अब पुलिस बस इतना ही कर सकती थी।
कि सबा के कातिलों को पकड़कर उसे इंसाफ दिलाना। जनाब मैं मकान मालिक हूँ सीमा का, रोहित उसका मंगेतर है। कहाँ मिलेगा ये रोहित? जनाब वो आज सुबह ही तो आया था सीमा से झगड़ा करने। अरे तेरे पास पैसे नहीं है तो अपनी दोस्त से ले ले, ये तो बहुत पैसे वाली है, 10-15-20 हजार तो दे ही सकती है। तुम बड़े ही बेशर्म आदमी हो रोहित, मैं उससे क्या कहूँ कि मेरा मंगेतर भीख मांग रहा है। क्या बोली तू? भीख मांगने आया हूँ मैं? बेशर्म हूँ मैं? भीख मांगने आया हूँ यहाँ पे? भीख मांगने आया हूँ? बहुत बोल रही है तू? छोड़ो उसे, जान लोगे क्या? बीवी है वो मेरी, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ उसके साथ। बीवी का मतलब भी जानते हो तुम? और बीवी नहीं हुई अभी तक तुम्हारी वो, और ना ही कभी होगी। तुम जिस आदमी के साथ शादी करके इसे अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है क्या? मेरे और सीमा के बीच में मत पड़, पछताएगी बहुत। जो करना हो कर लेना, चल सीमा। लोकल गार्डन और मंगेतर, एड्रेस तो होगा ना आपके पास? जनाब आप रोहित जी? जनाब सीमा मेरा फोन नहीं उठा रही थी, इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं उसको मार दूंगा। ना ना, सीमा को तो जिंदा छोड़ दिया तुमने, मारा तो सबा को है, धमकी भी दी थी ना उसे। जनाब सीमा जिंदा है? तुम्हें क्या लगा मर गई और तुम बच जाओगे? नहीं जनाब, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं सुबह से घर पे ही हूँ, आप चाहें तो पास वाले किराएदार से पूछ सकते हो। तो कहा था पैसे नहीं है तुम्हारे पास, तो फिर ये शराब पीने के पैसे कहाँ से है? और ये तो महंगी वाली लग रही है। अरेंज किया मैंने जनाब, शराब के लिए कोई किसी का खून थोड़ी ना कर देगा। जनाब हमें पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, जिस गाड़ी को अहमद ने घर से उस दिन जाते हुए देखा था हमें उसके बारे में एक लीड मिली है। जनाब मेरा उधमपुर हाईवे पर एक ढाबा है, आज शाम को तकरीबन 5 बजे के आसपास एक एक्सीडेंट हुआ था साहब, कार बहुत तेज रफ्तार से थी, लेकिन सर मैंने उस गाड़ी का नंबर ले लिया था, उसका नंबर है JK10W5590। सर यहाँ जब पुलिस ने इस गाड़ी के ओनर अकरम से कॉन्टेक्ट किया तो पता चला कि अकरम सभा का पड़ोसी है, जो कुछ दिनों से दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ, इसकी ये गाड़ी आज सुबह तक इसके घर के सामने खड़ी हुई। मर्डर करने के बाद उसने सभा के पड़ोसी के घर से गाड़ी चुराई। और भागने के चक्कर में वो एक्सीडेंट कर बैठा। और जनाब इसी एक्सीडेंट में एक लड़के की मौत भी हुई है। जनाब फिलहाल इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं शर्मा, इस गाड़ी को ढूंढो, इस गाड़ी का मिलना बहुत जरूरी है। तब तक मैं हॉस्पिटल जाता हूँ और देखता हूँ कि सीमा के पास से हमें और कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या नहीं। ओके सर। सीमा, मैं इंस्पेक्टर अशरफ का, तुम्हारा और सभा का केस मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हें कुछ याद है कि कौन आया था घर पर, किसने तुम दोनों को मारने की कोशिश की? नहीं, उसने उसने दरवाजा खोलते ही मैं उसे देख नहीं पाई। हाँ लेकिन सीमा फिर भी कुछ तो याद होगा, वो सभा का कोई दोस्त था, तुम्हारा कोई जानने वाला था या फिर कोई और था? कोशिश करो सीमा, याद करो कौन था वो सीमा, कौन? जनाब प्लीज, पेशेंट की हालत खराब हो रही है। डिलीशियस वो लड़का, डिलीशियस पिज्जा वाला लड़का, उसने सभा से झगड़ा किया जॉब को लेकर। सर मैं क्यों कस्टमर से झगड़ा करूंगा, वैसे भी 2:30 बजे के आसपास मैं डिलीवरी कर वापस अपने दुकान चला गया था। तो फिर ये सीमा ने क्यों कहा कि तुम्हारी शॉप के लड़के से झगड़ा हुआ था सभा का जॉब को लेकर? जॉब को लेकर? हाँ सर, पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन आमिर हो सकता है सर, हम दोनों साथ में ही डिलीवरी बॉय का काम करते हैं सर। ये आमिर का एड्रेस है? हाँ शर्मा, मैंने एक एड्रेस भेजा, आमिर नाम का लड़का रहता है वहाँ पर, सो उठाकर थाने लेकर आओ। तो अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि सबा अब्दुल्ला को यूपीएससी मेंस क्लियर करने के बाद ही आतंकियों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में न जाने की धमकी दी थी, पर सबा अपनी जिद पर अड़ी रही और आज उसकी हत्या उसी के घर में घुसकर की गई।
आखिर कब तक घाटी के युवा अपने ही सपनों की कीमत अपनी जान देके चुकाते रहेंगे? बात करने के लिए तो हम कहीं पर भी आ सकते थे जमील साहब, पर इससे आपको हमारी हिम्मत का पता नहीं चलता था, इसीलिए आना पड़ा हमें यहाँ। आप हमसे क्या चाहते हैं? आपसे नहीं, आपकी बेटी से चाहते हैं। हिंदुस्तानी हमारे बच्चों को मार रहे हैं और ये उन्हीं को नायाब बनाने में लगी है, और ये हम होने नहीं देंगे। बेहतर होगा कि ये ख्वाब आप खुद ही छोड़ दें, वरना हम अपनी पे आ गए तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। जमील मियां समझाइए, वरना दूसरी मुलाकात ऐसी नहीं होगी। मैंने कितनी बार मना किया इनको भी और सभा को भी, पर ये दोनों मेरी बात नहीं माने। और देखिए दहशतगर्दों ने अपने तरीके से आखिर रोक ही लिया सभा को। हमारी सभा IAS बन जाती तो उसे देखकर दूसरे बच्चे पढ़ाई लिखाई करते, आगे बढ़ते, लेकिन फिर घाटी में बंदूक कौन उठाता? इसीलिए उन लोगों ने वही सभा को। क्या ये मुमकिन है कि सभा का मर्डर आतंकवादियों ने नहीं बल्कि किसी जानने वाले ने किया हो? जानने वाले ने मतलब? आपका पड़ोसी अकरम, कल दोपहर को उसकी गाड़ी चोरी होगी और हमें शक है कि सभा का मर्डर करने के बाद उसका कातिल ही वो गाड़ी चुरा कर भागा। तो फिर सभा उसे कैसे जानती होगी? देखिए मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन सभा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, वो शहर आना जाना था, कहीं कोई लड़का। तौबा, आप ये क्या बोल रहे हैं? वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और सीमा? सीमा का क्या, उसकी तो शादी होने वाली थी ना। लेकिन सीमा अपनी शादी से खुश नहीं थी, कहीं उसी वजह से तो ये। तो सर वो तो सीमा और उसके शौहर का मसला है, वो तो वही जाने, उसका सभा से क्या लेना देना है। और आपका इन नौकर अहमद? अहमद जनाब वो तो घर जैसा है। फिर भी उसने झूठ बोला, उसे कहा कि सभा के मर्डर के वक्त वो सो रहा, लेकिन वो सो नहीं रहा था। तो फिर वो क्या कर रहा था? उसका पता तो हम जल्दी लगा लेंगे, बस मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अहमद के पास सभा को नुकसान पहुंचाने की कोई वजह थी क्या? उस लड़की सभा ने झूठा ब्लेम डाला था मुझ पर। ये क्या कर रहे हो? सॉरी मैडम, गलती से टच हो गया। तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ, तब से घूरे जा रहे हो, कुछ बोलने तो ज्यादा फायदा उठा रहे हो, अपनी औकात मत भूलो। ए, औकात की बात मत कर, मैं दुकान का नौकर हूँ, तुम्हारा नहीं हूँ नौकर जो तुम्हारी बात सुनूंगा। दुकान के नौकर हो ना तो दुकान वालों की सुनना, जब तुम्हारी कंप्लेन करूंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। हाँ कर देना, पर ये धमकी ना किसी और को देना। उसके बाद मैं गुस्से में वहां से निकल गया, मुझे लगा कि क्या ही करेगी वो, लेकिन उसने मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दी कि मैंने उसके साथ छेड़छाड़ की है। और फिर तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया और तुम गुस्से में सभा के घर गए और उसे मार डाला। कौन बोला आपको मैं उसके घर पे गया? किसी ने देखा था तुमको वहां पर? जिसने भी देखा झूठ बोल रहा है वो, मैं तो पूरे दिन मेरे घर पे था। तो झूठ बोलकर तुम्हें क्यों फंसाना चाहिए? मुझे क्या पता होगा उसका कोई मतलब, हो सकता है उसने मारा हो उसको और खुद बच के मुझे फंसाना चाह रहा हो। कार तो पार करा दूंगा, पैसा बहुत लगेगा। पैसा है उतना तेरे पास? शर्मा, हमें आर्मी वालों से कांटेक्ट करके मिलिटेंसी वाले एंगल के बारे में पता करना होगा। तब तक इस आमिर का क्या करेंगे जनाब? फिलहाल तो उसको छोड़ दो, लेकिन उसके स्टेटमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई करो। ये सीमा ऑलमोस्ट मरने वाली, ऐसी हालत में वो आमिर के बारे में झूठ क्यों बोलेगी? जनाब मरने वाली नहीं है, वो मर चुकी है सर। अभी भी हॉस्पिटल से फोन आया है, ब्रेन हैमरेज की वजह से उसकी डेथ हो गई है। सर सीमा के मरने के बाद तो आपकी इन्वेस्टिगेशन डिरेल हो गई होगी ना? सीमा अगर सभा के साथ ही मर जाती इन्वेस्टिगेशन हम तब भी करते। नहीं सर, कुछ तो फर्क पड़ा होगा ना, आपकी आई विटनेस ही हो। मिस्टर प्रशांत, इन्वेस्टिगेशन का जो था वो तो था ही, सभा के साथ सीमा भी IAS की तैयारी कर रही थी,
एक ही दिन में दो दो आईएएस एस्पिरेंट्स के मर्डर ने खलबली मचा दी थी। जनाब वी आर ऑन, हम जल्दी केस क्रैक कर लेंगे। जी जी जनाब, नहीं मिलिटेंसी वाले एंगल पर हमें अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं जनाब, घर वालों ने नहीं, गांव वालों ने मीडिया में खबर लीक की है। जी जी जनाब। जनाब शर्मा, ये सीडीआर रिपोर्ट कहाँ है? होम मिनिस्ट्री से फोन आ रहे हैं, कह रहे कि अगर आप केस सॉल्व नहीं कर पाए तो हम सेंट्रल एजेंसी को केस सौंप देंगे। जनाब सीडीआर ही चेक कर रहा था और सीमा के बयान की वजह भी पता चल गई। क्या समझ में आ गया? कहाँ है? तीन थाने में बिठा के रखा जनाब। सब मेरा बेटा मनीष कल दोपहर 12 बजे घर से निकला है, अभी तक वापस नहीं आया है, उसका फोन भी बंद है। अपने रिश्तेदारों या उसके दोस्तों से पता करिए, हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के यहाँ रुक गया हो। नहीं साहब, सबसे पूछा, कुछ पता नहीं चला साहब, अब ढूंढिए उसे साहब, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। मेरा बेटा मनीष कल से वापस घर नहीं आया। आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए, हम आपके बेटे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपके पास उसकी तस्वीर है? सर यहाँ तो नहीं है लेकिन घर पर है। घर जाकर उसकी तस्वीर लेकर आइए और फिक्र न करें, हम आपके बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। झूठ क्यों बोला, कल तो पूरे दिन घर पे था, जबकि 3 बजे तेरे सेलफोन की लोकेशन सभा के घर पे थी। जनाब मैं सब कुछ बताता हूँ। चला सीमा से झगड़े के बाद मैं वापस उसके घर चला गया था, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। मैंने उसको कॉल किया पर फोन पे मुझे सभा की आवाज़ सुनाई दी। मुझे गुस्सा आया, मैं वहीं चला गया। नहीं आएगी वो, सीमा अब सीधा दिल्ली जाएगी। ओ तो दिल्ली वाली बात तुमने इसके दिमाग में डाली है। सीमा मैं बोल रहा हूँ घर चलो, चलो घर। नहीं आएगी सीमा, और अगर तुमने जबरदस्ती की ना, मैं भी पुलिस को फोन करूंगी। सभा, रोहित मैं हाथ जोड़ रही हूँ, तमाशे मत बनाओ, प्लीज जाओ प्लीज। तुम कब तक छुपोगी सभा के पीछे? आना तुम्हें मेरे पास ही है, समझी? देखता हूँ मैं। और जनाब सभा से ही मेरा झगड़ा हुआ था, अगर मैं आपको पूरी बात बता देता तो आप मुझे उसी दिन पकड़ लेते, इसलिए मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई। मैं कसम खा के कहता हूँ, जब मैं वहां से निकला तब तक सब कुछ ठीक था सर। कर्जा कैसे चुका है? सभा के गहने बेचकर? नहीं जनाब, मैंने अपनी बाइक बेची है। दिखा कहाँ पे बेची है, चल। जनाब रोहित ने बाइक बेची थी, खरीदने वाले ने कंफर्म किया, और आर्मी कमांड से जो मिलिटेंट्स की लिस्ट आई थी उन्हें भी क्रॉस चेक कर रहे हैं, कल उनकी लोकेशन क्या थी। और जनाब ये देखिए, ये क्या है? ये आमिर की हिस्ट्री शीट है, मकरपुरा थाने का हिस्ट्री शीट है, चेन स्नैचिंग चोरी और ऐसे कई सारे मामले उसके ऊपर दर्ज हैं। और जनाब दो कार चोरी के भी केसेस। जनाब इसके सर्कल में पूछताछ की तो पता चला कि आमिर थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, और कल दोपहर को ही अपने घर पे नहीं सभा के घर के पास जुआ खेल रहा था, जिसमें 10,000 रुपये भी हार गया। कहीं इसने खुन्नस में आके सभा को। जनाब ये देखिए, आज सुबह जो आदमी अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट लेके आया था वह उसकी लड़की की फोटो है। और जनाब ये देखिए, तो वही लड़का है जिसका कल एक्सीडेंट हुआ था। इसके फादर का लगातार कॉल आ रहा है, क्या बोलूँ उन्हें? तुम खुद उनके घर जाओ और उनको लेकर हॉस्पिटल पहुँचो, मैं उनसे वहीं बात करूँगा, तुम्हें उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। ये किस्मत भी अजीब है शर्मा, मनीष की मौत सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि वो गलत वक्त पर गलत जगह से रोड क्रॉस कर रहा था। अब उसके वालिद को क्या कहेंगे कि मनीष की किस्मत खराब थी? बड़ी शिद्दत से ढूंढ रहे थे जनाब, इसलिए खुद ही मिलने चला आया, क्योंकि आप भी एक कश्मीरी हो और वो लड़की सभा भी कश्मीरी थी जिसको तुम लोगों ने मार दिया। गलतफहमी में मत रहिए जनाब, कश्मीरी हमारे अपने भाई बहन होते हैं और अपनों का खून हम नहीं बहाते। आपको मानना है तो मानिए, वरना मत मानिए। हमारे नाम से आपको जो बेवकूफ बनाया जा रहा है, बस वही बताने आए थे हम। जनाब फोन बंद है, लगता भाग गया। दरवाजा तोड़ो।
जनाब क्या कर रहे हैं आप लोग? ये दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं मेरा? कहाँ गायब था तू? मैं तो जरूरी काम से बाहर गया था। पर फोन बंद क्यों है तेरा? वो तो मैंने अंदर चार्ज लगा रखा है, पर अब दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं? अब मैंने क्या कर दिया? मगरपुरा का हिस्ट्री शीट है तू, दो केसेस चल रहे हैं तो उस पर गाड़ी की चोरी के। तो उससे क्या हुआ? वो तो मैं पहले करता था ना, उसके लिए अब मैं जेल में डालोगे आप मुझे? चल ठीक है, कल का बता। 10,000 रुपये तू हार गया ना जुए में, और जुआ भी सभा के घर के पास ही खेल रहा था। तो उससे क्या, मेरा घर तो यही है और सभा का घर चार गली छोड़ के है, और दोनों के बीच में जुए का अड्डा है। जुआ खेलना भी जुर्म है। तो लो गिरफ्तार कर लो मुझे, लो पकड़ लो आप, जेल में डाल दो मुझे। अरे कम से कम भूखा तो नहीं मरूंगा मैं। जिंदा रहते थे उस लड़की ने मेरी नौकरी खा ली, और मरने के बाद भी मुझे जेल डलवाएगी वो। जनाब पागल है, हॉस्पिटल चलते हैं, मनीष के माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे। पुलिस वाले आए थे मेरे घर पर। सब हम ही हैं, क्यों बुलाए गए? हमारा बेटा मनीष ठीक तो है ना? देखिए कल एक एक्सीडेंट हुआ है और उसमें एक लड़के की जान चली गई है, और हमारे हिसाब से वो मनीष ही है। हमारा इकलौता बेटा था साहब। और जिसने एक्सीडेंट किया क्या वो पकड़ा गया साहब? देखिए उसे पकड़ने के लिए आपका मनीष की पहचान करना बहुत जरूरी है। जनाब गाड़ी और गहनों दोनों को ही ढूंढ रहे हैं हमारे लोग, और खबरियों को भी एक्टिव कर दिया, लेकिन जनाब अभी तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन इस अहमद के बारे में जरूर कुछ पता चला। क्या पता चला? सर शबनम ने कंफर्म किया है कि अहमद और उसकी शादी होने वाली थी, और कल दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच इन दोनों की फ़ोन पर बात भी हो रही थी, लेकिन अहमद की इसी दौरान एक दूसरे नंबर पर भी बात हो रही थी, वो भी 2 बार। तो जनाब ये दूसरा नंबर मर्डर के वक्त सभा के घर पर भी एक्टिव था। इसका नंबर ही किसी खुशबू नाम की लड़की पर रजिस्टर्ड है। जनाब मैं किसी के मामले में नहीं पढ़ना चाहती, इसलिए आपको सच सच बता रही हूँ। मैं धंधा करती हूँ, इसलिए कल वहाँ गई थी। अहमद ने बुलाया था? जनाब मैं नाम तो नहीं जानती। यही था वो? ये तो नौकर है साहब, इसने नहीं बुलाया था, इसके साहब ने बुलाया था। कौन साहब? सर अहमद को बोलकर मैं घर में लड़की मंगा लेता था। कल भी मैं सभा को कोचिंग में छोड़कर घर आ गया था, और आउट हाउस में इसी लड़की के साथ था। नशे में था तो टाइम का पता ही नहीं चला, वापस सभा घर वापस आ गई। अहमद भाई आपकी आंखों में नींद साफ नजर आ रही है, जाके सो जाइए। अहमद वापस आ गया तो हम आउट हाउस में ही फंस गए, इंतजार कर रहे थे कि कम मौका मिले और हम वहाँ से निकले। इसने हंगामा मचा दिया जाने के लिए, सभा को सब कुछ पता चल गया। चुप करना। अरे क्या हो रहा है? ये कौन है? ये इन दोनों से पूछो और मुझे जाने दो, मेरे कस्टमर इंतजार कर रहे हैं। हटो मैडम। सभा मैं नहीं, ये अहमद लड़की लेकर आया था, इसको मैं रंगे हाथ पकड़ने के लिए आया था। लड़की आपने मंगवाई पर आप मुझे बस आ रहे हो। चुप कर, ऐसा मत बर, समझा तू? शराब दारू तक तो ठीक था, मगर ये शिट। आने दो अम्मी अब्बू को, उनको भी तो पता चले उनका ये चिराग कैसे कैसे गुल खिला रहा है। आज तुम्हारी शामत है। और सभा तुम्हारे अब्बू और अम्मी को तुम्हारी असलियत ना बता दे, इसलिए तुमने उसे मार डाला। नहीं सर, अब्बू तो मुझे जान से मार देते, बस इसलिए श्रीनगर जा रहा था। फिर सभा की खबर मिली तो वापस लौट आया। बराबर है, सभा तो मर ही चुकी थी ना, तो क्या ही कुछ बताती। और वैसे भी तुम्हारे मन में उसके लिए नफरत तो थी, तुमने एक ही तीर से 2 निशाने लगा दिए। सर मैं सच कह रहा हूँ, सभा मेरी बहन थी, पर मैं भला उसका खून कैसे कर सकता हूँ? आप चाहें तो अहमद से पूछ लीजिए। इससे पूछो जो खुद तुमसे मिला हुआ है। सर प्लीज मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसका खून नहीं किया है, आखिर वो मेरी बहन थी। सर सभा का भाई हैदर, वो अपनी ही बहन का मर्डर कर सकता है? 35 साल की नौकरी में बस यही एक बात सबसे ज्यादा समझ में आई है कि दूसरों से ज्यादा अपने ही पीठ में छुरा घोंपते हैं।
तो आपके हिसाब से हैदर ने पीठ में छुरा घोंपा था? सलाम साहब, आज रात एक कार को बॉर्डर पास कराने की तैयारी चल रही है, नाले के पास जंगल वाले रास्ते से। ये वही कार है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। खबर पक्की है? हाँ जनाब, एक बंदे के और कार के फर्जी डॉक्यूमेंट भी बना लिए गए हैं बॉर्डर के उस पार इस्तेमाल करने के लिए। शर्मा पक्का यही जगह थी? हाँ सर, खबर तो यहीं की थी। शर्मा, वो लोग आ रहे हैं, गाड़ी निकालो। खूबसूरत थी, छू लिया मैंने। ये क्या कर रहे हो? मगर छुआ ही तो था, कोई रेप थोड़ी किया था उसका। अरे मैं तो अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर इज्जत से नौकरी कर रहा था, वो नौकरी भी खा ली। मैंने उसको बोला, उसके हाथ जोड़े कि अपनी कंप्लेन वापस ले ले, ना वो नहीं मानी। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, जुए में कमाने का सोचा तो वहाँ भी 10,000 हार गया मैं। मेरा तो माथा ही खराब हो गया। और फिर उसके बाद मुझे जो करना था वो मैंने किया। सबा के घर से निकलते मुझे कोई देख ना ले, इसलिए मैंने उसके पड़ोसी की कार चुरा कर उसमें भाग गया। रोड पे आया तो मैं स्पीड में था बहुत, और वो लड़का मेरी कार के सामने आ गया। उसका अफसोस है मुझे मरने का, लेकिन वो सबा, उसके मरने की बहुत खुशी है मुझे, उसके मरने की मुझे बहुत खुशी है। आमिर ने उसकी सनत में सबा और सीमा दोनों लड़कियों का ब्राइट फ्यूचर बर्बाद कर दिया। सर, यहाँ आने से पहले मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया था आपके बारे में, बस वही टॉस वेरीफाई करना था। आपने तो कहा था कि आप मुझसे बातचीत करना है, फिर ये रिसर्च? सर, अब होमवर्क तो करना ही पड़ता है ना। सर, मनीष का एक्सीडेंट जिस कार से हुआ था, उस ढाबे वाले ने आपको कार का कलर क्या बताया था? सिल्वर, सिल्वर गाड़ी थी वो। नहीं, जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे व्हाइट कलर बताया था। वो इतने साल हो गए हैं, वो भूल गया होगा। नहीं नहीं, मैं कंफर्म हूँ कि मुझे उसने व्हाइट कलर ही बताया था। एक बार आप कंफर्म कर लीजिए। जुनैद सर को बताओ, जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था उसका कलर क्या था? अरे साहब, इन साहब को तो मैंने पहले ही बताया था कि व्हाइट कलर की कार ने एक्सीडेंट किया है। ये इंटरव्यू के बहाने क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर, और ये आदमी चीजों को भूल रहा है। एक सेकंड सर, जुनैद गाड़ी का नंबर क्या देखा था तुमने? साहब, कार इतनी तेजी से थी कि नंबर मैं ठीक से देख नहीं पाया। सर, जब जुनैद ने कोई नंबर देखा ही नहीं था तो आपकी इन्वेस्टिगेशन में JK10W5590 ये कहां से आ गया? ये इसी ने बताया था नंबर। पता नहीं क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है तू? जनाब, झूठ ये नहीं आप बोल रहे, 5 साल पहले जो अपनी जांच में आपने सर छुपाया था, अब वो बाहर आ रहा है। सीनियर हूं मैं तुम्हारा, सीनियर से ऐसे बात करते हैं? सर, सीनियर जूनियर छोड़ते हैं, अब कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये है मरने वाले मनीष की CDR रिपोर्ट। इस CDR रिपोर्ट के हिसाब से लास्ट कॉल मनीष ने किसी साहिल नाम के व्यक्ति को किया था, पर आपके इन्वेस्टिगेशन में साहिल नाम के व्यक्ति का कहीं भी जिक्र नहीं है। कौन था ये साहिल? मनीष का एक्सीडेंट कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं था ना, प्लान मर्डर था। क्या हुआ था उस दिन इसे छिपाने के लिए आपने इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली? मनीष जल्दी पहनो, इधर घर पर है, उसे देखिए ना, आफत हो जाएगी। जल्दी निकलो यहाँ से, तुम जाओ।
दोस्त होकर तुझे मेरी बहन मिली थी याशी करने के लिए। हैदर, हैदर, क्या कर रहा है तू? हैदर, पागल हो गया, मार दूँगा क्या उसे? तुम जाओ यहाँ से। कोई कहीं नहीं जाएगा, जब तक अम्मे अबू घर नहीं आ जाते कोई कहीं नहीं जाएगा। ऐसा मत करो। इसी के लिए तुझे पाला था कि एक दिन हमारी इज्जत पे दाग लगा सके तू? अबू, अबू, मैं और मनीष एक दूसरे से प्यार करते और शादी करना चाहते, कम से कम तो समझिए। मुझे कितना नाज था तुम पे, आज तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया। अबू, ऐसा मत कहिए अबू। इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं, ना बेटा ना बेटी। हेलो साहिल, तेरी मदद चाहिए थी, अर्जेंट है। अरे अभी अभी एयरपोर्ट से निकला था, बस तुझे ही कॉल करने वाला था। अरे वो छोड़ना, मुझे तेरी मदद की जरूरत है, अर्जेंट है। क्यों, क्या हुआ? हाँ साहिल भाई, सब ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ? मनीष का कॉल आया, वो बहुत परेशान लग रहा था, वो उधमपुर वाले हाईवे पे मिलने के लिए बुलाया है। क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं, बस वो एक लड़के से उसकी लड़ाई हो गई थी, तो उसे चोट ज़्यादा आ गई है। क्यों, तू कहाँ है? वो एयरपोर्ट वाले रास्ते पे जो चौराहा है ना, वहाँ मिलते हैं, फिर दोनों साथ चलते हैं। अब बताएगा किस लड़के से झगड़ा हुआ है? मनीष ने कहीं बुलाया था ना, दिख नहीं रहा है। वो रहा मनीष। हैदर, क्या हैदर यार, पुलिस पकड़ लेगी यार, मुझे जेल नहीं जाना है। अरे बच्चों से उन्हें बंद कर यार। देख अगर तू चाहेगा ना तो हमें कुछ नहीं है। अरे तू नहीं समझ रहा है यार, मेरी बात को समझ। अरे साहिल बेटा, ये क्या, हमारी फ्लाइट जल्दी लैंड होगी? अरे फोन किया होता तो मैं खुद तुम्हें लेने आ जाता। बाबा मैं जेल नहीं जाना चाहता बाबा। अरे क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? बाबा वो साहिल, पूरी बात बताओ। अपने बेटे को बचाने के लिए आपने एक ब्रूटल ऑनर किलिंग के केस को कुछ और ही रंग दे दिया। सभा के बारे में नहीं सोचा, सीमा के बारे में नहीं, और आमिर उसके सनकी स्वभाव का फायदा उठाकर आपने उसे जेल में भिजवा दिया, और अभी कुछ ही दिन पहले उसने जेल में सुसाइड नोट लिखा और अपने आप को मार लिया। मैं जानता हूं कि मुझसे गुनाह हुआ है, लेकिन मैं अपने साहिल को जेल नहीं जाने दे सकता था, वो भी तब जब उसकी कोई गलती थी नहीं। लेकिन कानून अपना काम करता है, भले ही देर से सही, जानते हैं आप अपने बेटे को बेगुनाह भी साबित कर सकते थे, लेकिन आपने दूसरा रास्ता अपनाया। बाय द वे, कहानी काफी अच्छी थी आपकी। अगर पीआई अशरफ खान ने
अपनी इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से की होती तो उनका बेटा साहिल कम से कम सजा में कोर्ट से छूट जाता और गुनहगारों को भी उनके किए की सजा मिल जाती। मगर पीआई अशरफ खान ने अपनी भावनाओं में बहकर इस केस को एक जीता जागता उदाहरण बना दिया इस बात का कि कैसे कुछ पावरफुल लोग अपनी पहुंच, अपनी ताकत से सच को तोड़ मरोड़ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। सालों पुराने इस हत्याकांड की दोबारा तफ्तीश हुई। अपनी मुश्किलें थीं, मगर इन मुश्किलों का हल भी पुलिस टीम और जर्नलिस्ट प्रशांत ने अलग तरीके से ही निकाला, जिसने 5 साल बाद ही सही मगर गुनहगारों को उनके किए की सजा दिलवाई। Happy birthday! चलो चलो, एक सेल्फी लेते प्लीज बुआ। यस स्माइल तो करो आप ना हमेशा ऐसे सैड सैड रहते हो। मामा चलो। यस बस निखिल की कमी है। अगले साल दादा पढ़ाई पूरी करके सिंगापुर से आ जाएंगे, उसके बाद हमारे सारे गेट टुगेदर परफेक्ट होंगे। सो चेहरा पाते हैं। ओके बेटा, अभी हम जल्दी से अच्छा खाना ऑर्डर करते। अरे नहीं बेटा, मैं तो निकलते। अरे दीदी, खाना तो खा के जाइए, बस अभी ऑर्डर हो ही रहा है ना। नहीं नहीं, मुझे निकलना है, मैं निकलती हूँ। बाय। ठीक है, बाय। चलो चलो चलो, लेट्स टेक अ सेल्फी। कम। आई मैंने राइस नूडल्स और मोमोज ऑर्डर किया। मोमोज और कर दूँ? हाँ कर दे, बढ़ा दे। बाबा अब आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ मतलब? मुंबई जा रहा हूँ, पर काम है, मीटिंग्स है। पर बाबा एक मिनट रहने दे दिशा, मीटिंग्स मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। देखो ये इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, काम है इसलिए जा रहा हूँ। इमोशनल ड्रामा? मैं कर रही हूँ इमोशनल ड्रामा या आप कर रहे हैं इमोशनल ड्रामा? देखो तुम, बाबा प्लीज ताई का मूड मत खराब करो ना। मूड खराब ना हो इसलिए जा रहा हूँ मुंबई। अच्छा, हर हफ्ते हम लोगों को यहाँ पे अकेला छोड़ के मुंबई जाते ही हो ना? अगर एक हफ्ता नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा, मेरा काम रुक जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। समझ में नहीं आती बात? ये जो केक काटा ना, ये जो खाना ऑर्डर किया जा रहा है, वो मेरे पैसे से किया जा रहा है। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी जिंदगी दे पाऊँ। समझ नहीं रहे? देखो पहले ड्रामा कौन कर रहा है। बाबा 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 प्लीज रुक जाइए ना, क्या कर रहे हैं आप? तुम मुझे मत सिखाओ क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं रुक जा, जाने दे, हम जिए मरे इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो ये नाटक बंद करो। नाटक? और आप ये सब कुछ जो सुनाया ना, आप पैसे खर्च करते तो उपकार नहीं कर रहे हैं, सिंपल था। बस तुम भी कोई एहसान नहीं कर रहे हो मेरे ऊपर। यह है ना, यहाँ पाल पोस रहा हूँ ना, रहो खाओ खुश रहो। ये बिजनेस मेरी प्रायोरिटी है, तुम्हारे इमोशनल ड्रामे में अटक कर मैं मेरा बिजनेस डुबा नहीं सकता। मेरा बिजनेस में क्यों रुक गया? निकल जाओ घर से। तो जा रहा हूँ ना, क्यों डर रहे हो मुझे? बाबा आपको नहीं कह रहे थे। मुझे पता है, लेकिन जब भी इनका झगड़ा होता मुझे कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग में अजीब अजीब आवाज घूमती है। आप रुको, मैं आती हूँ। दादा ये चॉकलेट खाओ, आपका दर्द कम हो जाएगा। ये लो खाओ। देखो अभी मैं ना आपकी दवाई लगाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। आई की कोई गलती नहीं है। अगर आई चाहती कि बाबा उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे तो बाबा मीटिंग कैंसिल कर सकते हैं। फिर ये झगड़ा क्यों? हाँ मुझे पता है, आई की कोई गलती नहीं है। बस शांत रहा करो। यार यामिनी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मतलब पापा क्यों नहीं समझते कि वो दादा के साथ क्या कर रहे हैं? ऋषा,
परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे घर के माहौल से घुटन होने लगी है, पता है? त्रिशा 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 सी, ऐसी सिचुएशंस ना लाइफ में आती है और जाती है, ऐसे परेशान नहीं होते यार। और ये ना, ये रोना धोना बंद कर, ओके? अब अच्छे से स्माइल दे। यस यस यस, लाइक अ गुड गर्ल। याविनी, थैंक यू सो मच। अगर तू नहीं होती ना, तो पता नहीं मेरा क्या होता। वही होता जो मंजूर खुदा होता। गहरी सांस लें और अपना ध्यान सांस पर केंद्रित करें, और इसी के साथ अपने कॉन्शियसनेस यानी अपने अंतर्मन में झांकिए। नमस्कार, मैं सर्वेश, मैं एक योगा एक्सपर्ट और स्पिरिचुअल हीलर हूं। आपको अगर मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। धन्यवाद। मुझे क्या लगता है, आप मेरी नहीं, मैं आपकी रक्षा करती हूँ। हाँ, तो मैं तुझे राखी बांधू और क्या? बच्चा हो गया रक्षाबंधन। आत्या नमस्ते। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। दादा मेरा गिफ्ट किधर है? गिफ्ट है ना, सरप्राइज भी है, आ जा देता हूँ। चलो। बाबू कुछ है मुंबई आएंगे थोड़ी देर में। रागिनी, भाऊ तो काम के लिए जाता है ना मुंबई, उसने मुंह सुझाने वाली क्या बात है? भाई है ना आपके, आप तो उन्हीं की साइड लेंगी, मगर मैं भी बीवी हूँ उनकी, और एक बीवी बहुत अच्छे तरीके से जानती है जब उसके पति का ट्रैक गलत हो जाता है। और आप भूल रही है, औरतों को सिक्स सेंस भी होता है। सिक्स सेंस नहीं, उसे स्टुपिडिटी कहते हैं। अच्छा, ये बात भी तो ठीक है ना, जहाँ आग होती है वही धुआं निकलता है। और उसी धुएं ने तुम्हें अंधा कर दिया है। अच्छा, मुझे अंधा कर दिया है। बस भी करो अब तुम दोनों। बस करो क्या, तुम्हें पता नहीं है अजीब वो गरीब औरत है ये, अजीब वो गरीब, उल्टी सुल्टी हरकतें करती रहती है, पता है? क्या कर दिया आपने? हाँ, मेरी साधना को भंग कर दिया आपने। बस मैं ठीक हूं, और आज के बाद आप अलग कमरे में सोएंगे। ये मेरी पूजा का कमरा है, और यहां पर आज के बाद मेरे अलावा और कोई नहीं आएगा। रागिनी, काय है ये? क्या चल रहा है ये सब घर में? इससे क्या पूछ रही हो? ये क्या बताएगी? इनसे पूछो, बच्चों से पूछो, फिर पता चलेगा सच। हाँ, कम कपड़ों में मैं अपने ही घर में बैठी थी, तुम्हारी तरह नहीं हूं। जहां लड़की देखी नहीं, वहां कपड़े उतारना शुरू। और एक शब्द नहीं, बहुत हो गया, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूं। अच्छा, और कर भी क्या सकते हो तुम? मारो, कितना मार सकते हो ना, मारो मुझे, मारो। मगर मैं अब चुप नहीं रहूंगी। प्रूफ है मेरे पास, जो प्रूफ मैं तुम्हारी बहन को और बच्चों को दिखाऊंगी। फिर ये मुंह ना छुपा दे फिरता तुम। आज के जमाने में धोखा, विश्वासघात और मारपीट कई परिवारों की रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जिसका नतीजा ये होता है कि आपसी विश्वास ना होने की वजह से उन घरों में दरिद्रता, दुख और कड़वाहट इस हद तक जगह बना लेती है
कि लोग रिश्ते को खत्म करके अलग होना बेहतर समझते हैं, लेकिन जब अनबन के बावजूद एक ही छत के नीचे रहना पड़े तो घर के सदस्य की एक गलती पूरे परिवार को मुश्किल में डाल देती है। जहां रागिनी को टोने टोटके में राहत मिलती थी, वहीं राजवीर घर में फैली निगेटिविटी से खुद को बचाने के लिए अपने आप को तकलीफ देता था। त्रिशा ने आज तक राजवीर का बचाव किया, लेकिन अगर किसी दिन त्रिशा से भी चूक हो गई तब क्या इस परिवार को कोई बचा पाएगा? सर, सर राजवीर, मेरा बेटा सैटरडे से मिसिंग है सर। क्या उम्र है उसकी? उसकी 21 साल। तो आपने दो दिन वेट क्यों किया? सर मुझे भी वाकई पता नहीं था, मतलब मैं मंडे टू फ्राइडे कोल्हापुर में रहता हूँ और वीकेंड में मुंबई में। एक्चुअली यहाँ मेरी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है और मेरे सारे होलसेलर्स मुंबई में हैं, तो वीकडेज में यहाँ काम करके मैं वीकेंड में मुंबई जाता हूँ मीटिंग्स के लिए। तो वैसे मैं फ्राइडे शाम को गया था सर मुंबई, और आज मैंने आकर देखा तो राज भी रहे नहीं। आपके घर में कौन कौन होता है? मेरी वाइफ और मेरी बेटी, लेकिन मेरी बेटी भी वीकेंड पर यहाँ नहीं थी, वो अपनी बुआ के घर गई थी फ्राइडे शाम को ही, वो भी आज सुबह वापस आई है। मतलब आपकी पत्नी घर में अकेली थी? जी सर। तो उन्होंने दो दिन तक नोटिस नहीं किया कि राजवीर घर में नहीं था? मतलब सर मेरा बेटा राजवीर थोड़ा सा अजीब है। अजीब मतलब? अजीब मतलब उसको थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है थोड़ा सा, मतलब कई बार कई दिनों तक खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता है, अकेला रहता है। तो उस दिन भी वाइफ को लगा कि वो कहीं बाहर गया होगा, कमरे में बैठा होगा, उसने ध्यान नहीं दिया। और कल सैटरडे को भी उसे शाम को लगा कि रात तक वापस आ जाएगा, उसने ध्यान नहीं दिया सर। और आज जब सुबह मैं मुंबई से वापस आया तब देखा कि तब तक भी राजवीर घर नहीं आया था सर। यंग लड़का है, हो सकता है अपने दोस्तों के साथ गया होगा। आपने चेक किया? मैंने कहा ना सर, मेरा राजवीर थोड़ा सा अलग है, वो उसका कोई फ्रेंड्स नहीं है, ना वो किसी से ज्यादा बात करता है। उसका फोन भी उसी के कमरे में पड़ा मिला है सर। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। सबसे पहले हमें राजवीर का कमरा देखना होगा। जरा सारा कमरा चेक करो, लगता है कई महीनों से कमरे की खिड़की तक नहीं खुली। आपके बेटे को भूख प्यास नहीं लगती थी क्या? सर आप उसे जानते नहीं हैं, जब भी उसका मूड खराब होता था उसे आसपास कोई नहीं चलता था, बस सहम के अपने आप को रूम में बंद कर लेता है वो। हाँ सर। सर ये देखिए क्या मिला है, ये लव लेटर्स है और ये शायद खून से लिखे हुए हैं। यामिनी? ये यामिनी कौन है? मेरी बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? आपके भाई ने चिट्ठियां लिखी है यामिनी को खून से। आई स्वेयर सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सर एक फोन मिला है, ये देखिए, एक लड़की की तस्वीर है। ये यामिनी है? हाँ सर। सर इसी लड़की के फोटो से पूरा फोन भरा पड़ा है, लगता है ये उसे बहुत चाहता था। इतना सब कुछ है, आपको कोई आइडिया नहीं? सच में सर मुझे कुछ नहीं पता, और यामिनी मेरे बहुत क्लोज है, अगर दादा ने उसको प्रपोज किया होता तो मुझे वो जरूर बताती। सर ये देखिए, खून से सना हुआ है, ये क्या है ये सब? सर जब भी इन दोनों का झगड़ा होता था दादा खुद को नुकसान पहुंचाते थे। नुकसान मतलब कैसे? वो खुद को स्लिप करते थे। फ्राइडे को मेरे जाने के बाद आप दोनों का झगड़ा हुआ था? नहीं बेटा। यामिनी का नंबर इससे लो और यामिनी को उठाने बोलो। सो प्यार राजवीर से? नहीं सर, ये चिट्ठियां हमें राजवीर के रूम से मिली हैं और उसने अपने खून से लिखी हैं। सर कसम से मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। सर त्रिशा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए अक्सर राजवीर से मिलना होता था, पर ये इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सर वैसे भी राजवीर बहुत शर्मीला लड़का था। गुस्से में तुम बड़े डैशिंग लगते हो। तुम भी क्या? वो क्या क्या और वैसे भी कभी कभार ही उससे बात होती थी बस। हो सकता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को इस सब के बारे में पता लग गया हो और राजवीर के गायब होने में उसका हाथ हो।
सर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आप किसी से भी पूछ सकते हो। ठीक है, जा सकते हैं आप। जी सर। गायकवाड़, ये यामिनी कितना सच बोल रही है जरा पता करो, और ये भी चेक करो कि रागिनी और उसके हस्बैंड के बीच तालमेल क्यों नहीं है, और त्रिशा की सीडीआर निकालो। ओके सर। जी सर, मैं जैसे ही जानकारी मिलती है आपको अपडेट करता हूँ सर। जय हिंद सर। यामिनी की कॉल डिटेल रिपोर्ट से पता चला है कि यामिनी और त्रिशा इन दोनों के बीच में काफ़ी सारे बातें हुआ करती थी, और वो नेचुरल भी है क्योंकि दोनों अच्छी दोस्त थी। हाँ, लेकिन किसी लड़के के साथ यामिनी का कोई कनेक्शन नहीं मिला। अच्छा, स्ट्रेंज। लेकिन सर, जांच के दरमियान और एक बात सामने आई है। ये त्रिशा का सीनियर प्रतीक माने, अरविंद को शक था कि त्रिशा और प्रतीक माने के बीच में कुछ अफेयर है, इसलिए उसने प्रतीक को गुंडों से पिटवाया भी था। और ये राजवीर, उसके साथ भी प्रतीक का झगड़ा हुआ था कुछ दिनों पहले। प्रतीक माने, ये त्रिशा का बॉयफ्रेंड हो सकता है? सर कसम से त्रिशा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। राजवीर और त्रिशा के पापा को भी यही मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सर प्रतीक मेरा मुंह बोला भाई है, अब प्रतीक को छोड़िए, दादा को ढूंढिए। ठीक है, तुम लोग जाओ। गायकवाड़, जब तक इनोसेंट नहीं साबित हो जाता इस प्रतीक को भूलना मत। आजकल ये मुंह बोला भाई बोलना आम बात हो गई है, पता करो इस प्रतीक की मुंह बोली बहनें और कितनी है। ओके सर। हाँ पूजा। सर मैंने साबले परिवार के पड़ोसियों से बात की, उनका कहना है कि रागिनी और अरविंद के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। हाँ मैडम, मैं इधर ही बाजू में रहती हूँ। वैसे तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ तो रोज ही आती है, लेकिन इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है मैडम। वैसे भी रागिनी अरविंद की दूसरी पत्नी है और राजवीर की सौतेली माँ, तो तमाशा तो होना ही है ना मैडम। राजवीर लगभग 3 साल का होगा मैडम, तब हेमा वहिनी की मौत हो गई थी। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैंने तो सुना है वो रागिनी काला जादू करती है। काला जादू? अरे सुना क्या, मैंने तो देखा भी है। एक दिन कुत्ते ने उनका कचरे का डिब्बा गिरा दिया था, तो उसमें नींबू, गुड़िया, सिंदूर और काला कपड़ा और ना जाने क्या क्या था उसमें। मैंने तो उसकी फोटो भी निकाली है, देखा। हाँ ये देखिए। ये सब क्या है जरा समझाएंगे? ये सारा मटेरियल आपके घर के पीछे से निकला है। जी ये सच है कि मैं काला जादू सीख रही हूँ। कहाँ, किससे? ऑनलाइन क्लासेस सर्वेश। ये काला जादू क्यों सीख रही हैं आप, कोई खास वजह? घर की सुख शांति के लिए। घर की सुख शांति तो आपको मिल गई होगी ना आपके हस्बैंड को दूसरे कमरे में शिफ्ट करके। आपके घर की तलाशी लेनी है हमें। गागो जरा बगल ना सगड़ी कड़ा। कुछ नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं है। टेरेस। पूजा बग जरा है। सर लगता है बॉडी को तेल में उबाला गया है। राजवीर, मैं कैसे कह सकता हूँ सर। गायकवाड़, ये जो रिमेन्स हैं इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजो। रिका में सर, सारे छत पे जरा अच्छे से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। जी सर।
सर के देखिए ये आपका लगता है ये देखिए मैंने कहा था ना वो रुद्राक्ष मेरा नहीं है ये रही मेरी रुद्राक्ष की माला पूरे 108 है देख लीजिए और शेड भी अलग है अब काला जादू समझे या तंत्र मंत्र करती तो मैं अपने घर के लिए ही थी ना और अपने राजवीर के लिए भी और उसकी मौत का इल्जाम आपने मुझे पे लगा दिया देखिए ऐसा है जब ये हुआ तो आप घर में अकेली थी और आप चाहती हम ये मान ले कि आपने ना कुछ देखा ना सुना फ्राइडे नाइट को मैंने और राजवीर ने खाना खाया और फिर मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई सैटरडे को सुबह तो मैं सत्संग चली गई थी सर आप चाहिए तो सत्संग में जो लोग आए थे उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं ये सत्संग से आप कब वापस आई सैटरडे नाइट को सैटरडे को जब मैं सत्संग से वापस आई तो राजवीर का कमरा बंद था फिर मैंने सोचा मैं संडे को सुबह बात करूंगी और मैं सोने के लिए चली गई राजवीर संडे को जब मैं उसके कमरे में गई तो वो वहां पे नहीं था मुझे लगा कहीं बाहर गया होगा इसलिए मैंने उसे फोन किया मगर मैंने देखा उसका उसका फोन कमरे में ही था संडे को शाम को फिर मैंने त्रिशा को फोन किया तो उसने भी मुझसे कहा कि आई टेंशन मत लो राजवीर रात तक आ जाएगा फिर मैं सोने के लिए चली गई ये सोचकर कि उसे लेट हो जाएगा फिर मंडे को सुबह जब मैं उठी और मैंने देखा तब भी राजवीर अपने कमरे में नहीं था और उसी वक्त अरविंद घर पे आ गए क्या तुमने उसे दो दिन से नहीं देखा ओह गॉड कहां गया होगा और फिर उसके बाद अरविंद पुलिस स्टेशन चले गए आपको क्या लगता है ये रागिनी सच बोल रही है पूजा ये जो काला जादू वाली जो हरकत है उसकी वजह से अगर वो सच बोल भी रही है तब भी उसकी बात पे यकीन करना मेरे लिए मुश्किल है हमें इस महाराज से मिलना होगा बैकवर्ड मुंबई चलने की तैयारी करो ओके सर सर वो सरफिरी औरत है बकवास कर रही है वो और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं मैंने आज तक कभी काला जादू किया नहीं है और ना ही मैं सिखाता हूं मैं एक वेल रेप्यूटेड योगा टीचर हूं और सेल्फ हीलर भी हूं आज तक मैंने जिन लोगों की मदद की है आप उनसे जाके पूछ सकते हो जाहिर सी बात है कि आप ये काला जादू खुलेआम तो सिखाते नहीं होंगे कहीं ये योगा और हीलिंग की आड़ में तो ये सब काम नहीं करते रागिनी ने हमसे साफ शब्दों में ये कहा कि वो आपसे काला जादू सीख रही है कुछ भी बोल रही है वो बल्कि रागिनी ने मेरे पास ऑनलाइन सेल्फ हीलिंग का कोर्स ज्वाइन किया था एक दिन मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था तब अचानक से उसने ये क्या कर रही हैं आप अब हॉट योगा के लिए रेडी हो जा रुक जाइए देखिए ये सब बंद कीजिए उसके बाद कुछ नहीं सर क्या होगा उस दिन से मैंने उससे बात करना बंद किया सर मुझे वो क्रेजी अनस्टेबल औरत लगी आई के सेमिन्यूट पूजा के वजह से घर में बहुत स्ट्रेस था लेकिन इसमें भी बाबा की गलती थी मतलब आई को डाउट था कि बाबा का मुंबई में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और एक बार तो आई ने कहा भी था कि उनके पास कुछ फोटोज और प्रूफ्स है कि बाबा उन्हें धोखा दे रहे हैं मामा जी संभालिए अपने आप को ये बोलो सर ये दमयंती का लड़का है सिंगापुर में रहता है अंतिम संस्कार के लिए आया था राजवीर के जाने से ऐसा लग रहा है कि दुनिया में कुछ बचा ही नहीं जो भी कम आया जो सब उसी के लिए तो था मामा सांभाड़ा स्वताला देखिए आपको जब तक मेरी जरूरत है मैं यहां रहने के लिए तैयार हूं आप ही के पास
लेकिन बेटा तुम अपनी पढ़ाई बर्बाद मत करना। सिंगापुर में जाओ, अच्छी पढ़ाई करियो। हम है, हम संभाल लेंगे। बेटा एक अच्छा लड़का देख के तो शादी कर ले, तो हम सबको संभालने के लिए कोई तो चाहिए ना बेटा। अब तो तुझसे ही सारी होप्स है। आत्या, अगर पापा जैसा चाहते हैं मैं वैसा करूंगी तो मेरी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी ना, उसको क्या जवाब दूंगी? हाँ प्लीज आत्या, आप कुछ करो ना। त्रिशा, मुझे पता है आप कर सकते हो कुछ। प्लीज आत्या, प्लीज प्लीज। देखो त्रिशा, तू जानती है ना अपने पापा को, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। त्रिशा, जो भी करना है वो बाद में, लेकिन अभी बाहर चलते हैं जल्दी से। सब लोग खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो खामों का शक हो जाएगा। चल जल्दी से, ठीक है? देखते हैं सर, राजवीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि राजवीर को पतेले में भूनने से पहले उसके बॉडी को कर्पूर और घी से मला गया था, और उसके सर को भी बहुत बुरी तरह से कुचला गया था। 21 अगस्त को रात को 8 से 12 बजे के बीच में उसकी मौत हुई है। मतलब सबसे पहले सर को कुचला गया और बाद में उसकी बॉडी को भूना गया, ये काला जादू है? सर, हमने सर्वेश का भी बैकग्राउंड चेक किया, बिल्कुल क्लीन है। काले जादू से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब रागिनी पे हमारा शक सही है, रागिनी ने ये काला जादू कहीं और से सीखा है। सर, रागिनी की कॉल डिटेल जब हमने चेक किए तो पता चला कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव के कांटेक्ट में है, जिसका नाम विनय पाठारे है। बुलाओ इस विनय पाठारे को। सर, सर, वो गायब हो गई। त्रिशा, त्रिशा, मेरी बेटी गायब है। मेरी बेटी गायब हो गई, वो मेरे बहन के घर रहने गई थी, वहां से गायब है। प्लीज बेटी बदल दीजिए। 2 दिन पहले 30 अगस्त को जब निखिल सिंगापुर के लिए निकल गया तो निखिल के जाने के बाद त्रिशा सब कुछ छोड़ के पुणे जाने की बात कर रही थी। पुणे? क्यों? सब कुछ छोड़ के मतलब? एक मिनट, एक मिनट, त्रिशा कौन से कमरे में रहती है? वो सामने वाले। पूजा, देखो जरा। सर, बहू सॉरी, तुम्हारे और रागिनी के झगड़े के वजह से वो बहुत परेशान थी। लेकिन पुणे में कहाँ गई? वो कुछ पता नहीं, लेकिन वो कुछ कोर्स करना चाहती थी। क्लियरली उसने कुछ बोला नहीं। कल क्या हुआ? कल 4 बजे वो घर से निकल गई थी। मुझे बोला था उसने कि वो यामिनी के साथ मूवी देखने जा रही है और बाहर ही डिनर करके लेट घर पे आएगी। लेकिन त्रिशा के जाने के बाद मुंबई से भाऊ का फोन आया था। मतलब सर, मैंने पहले त्रिशा को फोन किया ये जानने के लिए कि वो घर कब वापस आ रही है। त्रिशा बेटा कहाँ हो? घर नहीं पहुँचा अब तक। मैं घर कभी नहीं आऊंगी और मुझे दोबारा कभी कॉल मत करना डैड। त्रिशा, ये क्या? हेलो, अरे त्रिशा, मैंने उसे वापस बार बार फोन करने की कोशिश की लेकिन उसने फोन बंद कर दिया। सर, मैं घबरा गया, तुरंत कोल्हापुर आया और यहाँ ताई के घर आया। मुझे लगा था गुस्सा होकर यहाँ आई होगी त्रिशा, लेकिन सर वो यहाँ से भी निकल गई थी। सर, त्रिशा जिस रूम में रह रही थी पूरा रूम चेक कर लिया, लेकिन वो सब कुछ लेके जा चुकी है। इसका मतलब उसने अपना प्लान एग्जीक्यूट कर लिया। बैकवर्ड, जरा पुणे पुलिस से बात करो और पता लगाओ। ओके सर। मैम, त्रिशा अक्सर पुनः शिफ्ट होके नई जिंदगी शुरू करने की बात करती थी, पर वो राजवीर की वजह से अक्सर परेशान रहती थी। शायद राजवीर के जाने के बाद वो पुनः शिफ्ट हुई होगी। पर मैम, अगर वो ऐसा करती तो वो मुझे जरूर बताती। तो तुमने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? मैंने कंटिन्यूसली उसे फोन करने की कोशिश की मैम, पर उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। जी सर, रागिनी मैडम ने मुझे हायर किया था अपने पति अरविंद पे नजर रखने के लिए जब वो मुंबई में रहते थे। मुंबई में अरविंद का एक 40 साल के सिंगल उमर मीना नाइक के साथ अफेयर चल रहा है। ये रहे उसके फोटोज। और मुझे ये भी पता लगाने के लिए कहा था कि मीना को इस किसी हफ्ते में कहीं चोट लगी है या नहीं, जैसे कि पैरों में हो, सर में हो, या उसकी उंगली कटी है या नहीं। मीना को लगी थी चोट? मुझे ताज्जुब होता था कि रागिनी मैडम मुझे फोटो क्लिक करने के लिए कहती ही क्यों है, जबकि उन्हें पहले से ही पता है कि मीना को कहाँ चोट लगी है। फिर मैं भी सोचता था कि मुझे इस काम के पैसे मिल रहे तो मैं भी करता रहा। बड़े दिल वाला आदमी है तू, मीना का पता दे चल मुंबई का। मीना जी। जी। अरविंद साबड़े को जानती हैं आप? जी।
मैं अरविंद के साथ रिलेशनशिप में हूँ। कई साल पहले मेरा डिवोर्स हो चुका है। अरविंद मुझसे शादी करना चाहते थे, वो रागिनी को तलाक देने वाले थे, मगर मुझे शक हुआ कि कुछ दिनों से कोई मेरा पीछा कर रहा है। अरविंद वहाँ कोई है? वहाँ? हाँ। कौन है? कौन है? ये जो आपको हाथ में और सर पे चोटें लगी हैं, इसके लिए अरविंद जिम्मेदार है? हाँ? नहीं नहीं, अरविंद मुझे कभी चोट नहीं पहुंचा सकते। तो ये चोटें आपने अपने आप को खुद पहुंचाए? नहीं, पता नहीं कुछ दिनों से क्या हो रहा है, मैं ऐसे चलते फिरते टकरा जाती हूँ, कभी पैर में चोट आ जाती, कभी हाथ में, तो कभी सर पे। ऐसा लग रहा है कि कोई मुझ पे काला जादू कर रहा हो। अरविंद ने मुझे बताया था कि उसकी बीवी रागिनी काला जादू टोना करती है, कहीं ऐसे तो नहीं कि वही मुझ पे ये जादू टोना कर रही है? अरविंद को भी जब से पता चला था कि वो काला जादू करती है, वो खुद को लेकर और बच्चों को लेकर काफ़ी डर गया था। सर, मेरे गांव में जो ये जादू टोना करते हैं, वो सब लोग ये चीज़ें करते रहते हैं। क्या बात करती हो पूजा, आजकल के ज़माने में कौन इन चीज़ों पे विश्वास करता है? अरे सर, सच में जो लोग ये जादू टोना करते हैं ना, वो खुद को चोट पहुंचाते हैं, ताकि वो जिनको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको भी उसी जगह पे चोट पहुंचे। सीरियसली पूजा, तुम इन सब चीज़ों पर विश्वास रखती हो? सर, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हो सकता है ये मीना सच बोल रही हो। पूजा, इस ज़माने में काला जादू ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। हेलो, ठीक है सर, गणेश नगर एरिया में एक फीमेल की डेड बॉडी मिली है। सर, इस तरफ। बोलो सर। बग ना, बग। सर, लगता है त्रिशा भी काले जादू का ही शिकार हुई है। दिखता तो ऐसे ही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो रंगोली बनाई है ना, ये त्रिशा की डेड बॉडी को डंप करने के बाद बनाई गई, ताकि त्रिशा और राजवीर की मौत में कनेक्शन दिखाया जा सके। सर, त्रिशा का गला दबा के उसे मारा गया, इसकी गर्दन ट्विस्टेड है। फैमिली को बुलवा के आइडेंटिफिकेशन करवा लो। ओके सर। त्रिशा के मर्डर से पुलिस सख्ते में आ गई थी, क्या त्रिशा भी काले जादू की शिकार हुई थी, या फिर उसकी मौत की वजह कुछ और थी? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान नोटिस किया कि त्रिशा की बॉडी दमयंती बुआ के घर के महज 2 किलोमीटर की दूरी पर बस स्टैंड के पास मिली थी। तो क्या उसने बस स्टैंड तक ऑटो या फिर प्राइवेट टैक्सी ली थी? पुलिस ने ऑटो और प्राइवेट टैक्सी ड्राइवरों से पूछताछ करने का फैसला किया, और साथ ही उस दिन का सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला। साथ ही पुलिस ने त्रिशा की बुआ दमयंती से भी पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस को इस केस के संदिग्ध हत्यारे तक पहुँचने का सुराग मिल गया। सर, मैं त्रिशा को क्यों मारूंगा? मैं तो खुद अपनी जान लेने वाला था जब मुझे त्रिशा और यामिनी के बारे में पता चला था। क्या मतलब? सर, आपको नहीं पता क्या? सर, त्रिशा और यामिनी दोनों रिलेशनशिप में थे, वो दोनों लेस्बियन थे। मुझे तो लगा था कि त्रिशा स्ट्रेट है, पर एक दिन मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि त्रिशा लेस्बियन है। मुझे लगता था कि यामिनी ने उसे बहलाया होगा। वो दोनों दमयंती बुआ के घर मिलते थे, इनफैक्ट बुआ को उनके रिलेशन के बारे में पता था, और एक दिन मैंने यामिनी से भी इस बारे में बात की थी। तू त्रिशा की जिंदगी से दूर रह समझे, वरना जान से मार दूंगा। ए, हेलो,
तेरी हिम्मत कैसे हो यामिनी से ऐसे बात करने की? हाँ त्रिशा संभल जा, हमारे सोसाइटी में ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारे संस्कार ये नहीं सिखाते। तू होता कौन है मुझे संस्कार सिखाने वाला? त्रिशा मेरी बुआ इस जनरेशन की नहीं, फिर भी वो मुझे सपोर्ट करती है। मैं तुझे भाई मानती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तू भाईगिरी दिखाएगा यहाँ पर। त्रिशा लेकिन लीव फ्रॉम हियर, मैं तुझे इस गंदगी में नहीं रहने दूंगा चाहे जो हो जाए। और जब त्रिशा ने तेरी धमकियों पे ध्यान नहीं दिया तो उसे मार दिया? नहीं सर, मैं उसे मारना तो दूर, चोट भी नहीं पहुंचा सकता था सर, क्योंकि क्योंकि क्या? क्योंकि सर मैं उसे बहुत प्यार करता था और ये जबरदस्ती मुंह बोला भाई वाला टैग भी हटा देना चाहता था। मुझे गुस्सा आया था जब मुझे पता चला उसके और यामिनी के रिलेशन के बारे में, पर सर मैं कभी उसे मार नहीं सकता सर। बिठा के रखो इसे। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये क्लियर हुआ है कि त्रिशा की मौत गला दबा के हुई, उसकी गर्दन टूटी हुई। सर फोर्स सेक्स या रेप का कोई भी साइन नहीं है। चल के अरविंद और दमयंती से बात करते हैं, अगर बुआ त्रिशा के इस रिश्ते के बारे में जानती थी तो उसने हमें क्यों नहीं बताया? ये आप क्या कह रहे हैं सर? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें करने की? भाऊ है खरे, त्रिशा और यामिनी के रिलेशन के बारे में मुझे पता था, वो दोनों पुणे भागना चाहते थे, मैंने उनको सपोर्ट भी किया। यामिनी त्रिशा का इंतजार बस स्टैंड पे कर रही थी, लेकिन जब काफी देर तक त्रिशा आई नहीं तो वो डर गई। ये क्या है, क्या सुन रहा हूँ मैं, क्या चल रहा है? इसके बारे में रागिनी को भी पता था, उसने तो एक दिन, देखो रागिनी माँ होने के नाते त्रिशा का साथ देना चाहिए तुम्हें। बिल्कुल दीदी, मैंने अभी अभी सीखा है मैं त्रिशा को ठीक कर सकती हूँ, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मतलब क्या है तुम्हारा? सर्वेश महाराज ने मुझे रास्ता दिखाया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने अपनी सौतन को सबक सिखाया था, मैं त्रिशा को भी ठीक कर दूंगी। ओम आपने अपनी बेटी पे काला जादू किया, मार डाला उसे? मैं उसे बचाना चाहती थी, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, आप समझ नहीं रहे हैं। समझने की कोशिश कर रहे हैं, जरा हाथ दिखाइए अपना। पूजा ये क्या है? रिका में जरा दाखवा दे वीडियो, हमारी साइबर टीम ने कुछ वीडियोस रिकवर किए जो आपने डिलीट कर दिए थे, ये देखिए ये क्या है? जहां जहां आपने अपने आप को चोट पहुंचाई वही मीना को चोट लगी। मुझे सर्वेश ने ऐसा करने के लिए कहा था। लेकिन सर्वेश ने तो कहा कि उसने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया था उस दिन से जिस दिन आपने ऑन कैमरा उसके साथ बदतमीजी की। क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं तो उन्हें हमेशा इज्जत देती थी, वो हमेशा मुझे समझाया करते थे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उन्होंने कहा था कि मेरे पति मेरे पास वापस आएंगे और हम हंसी खुशी वापस साथ रहेंगे। कि आप और सर्वेश बातचीत कब और कैसे करते थे, मतलब हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिले? सोशल मीडिया थ्रू, जब भी उन्हें बात करनी होती थी वो मुझे ऑनलाइन बुलाते थे। मतलब सर्वेश के कहने पे आपने राजवीर को मार दिया? नहीं मैंने राजवीर को नहीं मारा, मैं सच कह रही हूँ, बल्कि मुझे एक बहुत बड़ी पूजा करनी थी और वो पूजा के लिए जो भी सामग्री है वो इकट्ठा करने के लिए मुझे सर्वेश ने कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं जब भी ये पूजा करूँ तो आसपास कोई नहीं होना चाहिए। और एक दिन मुझे उन्होंने सरप्राइज दिया, वो यहाँ घर पे आए थे। सर्वेश यहाँ आया था कब? फ्राइडे की शाम को जब अरविंद और त्रिशा चले गए थे। इतनी सारी बातें आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? वो सर्वेश ने कहा था कि ये सब कुछ मुझे सीक्रेट रखना होगा तभी काला जादू काम करेगा। आपने उसे बुलाया था? नहीं उन्होंने कहा था कि उनका कोल्हापुर में कुछ काम है इसलिए वो आ गए। और सर उस दिन राजवीर और उन्होंने मेरे साथ डिनर भी किया था। यह आपकी पाचन क्रिया में मदद करेगा, मैं भी पी लेता लेकिन मेरी अब टैक्सी आएगी, आप ही आनंद लीजिए इसका। अब आप सोने जाइए, टैक्सी आते ही मैं निकल जाऊंगा। आप जाइए मैं इनके साथ रहता हूँ।
अगली सुबह मैं जब उठी तो महाराज जा चुके थे और राजवीर के कमरे का दरवाजा बंद था। मुझे लगा वो सो रहा है, फिर मैं सत्संग चली गई। और बाकी सब कुछ तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आपकी बातों में कितनी सच्चाई है ये जब तक हम लोग पता लगाते हैं, आप हमारी निगरानी में रहेंगे। पूजा क्यों सर है शायद रागिणी सच बोल रही है, वो रुद्राक्ष याद है जो हमें छत पे मिला था? रागिणी ने बताया वो उसका नहीं है, वो सर्वेश का हो सकता है। मुझे याद है जब हम सर्वेश से मिलने गए थे उसके गले में भी रुद्राक्ष की माला थी। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक राजवीर की मौत शाम को 8 बजे से रात को 12 बजे के बीच में हुई और रागिणी ने बताया कि उसी दिन सर्वेश उसे मिलने यहाँ आया था। 21-22 अगस्त का सर्वेश का मोबाइल लोकेशन निकालो। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वो औरत कैसी है, फंसा रही है मुझे वो। उसके एक भी शब्द पे भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसा तो तुम्हारे शब्दों पे भी नहीं किया जा सकता। जिस पे हमें भरोसा है वो है कॉल रिकॉर्ड्स, और तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि 21 अगस्त की शाम 8 बजे से 22 अगस्त की सुबह 3 बजे तक तुम रागिणी के घर पे, और अगले दिन कोल्हापुर से मुंबई। तुम्हारा प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर सलीम शेख, तुम्हारी टैक्सी का बिल भी दिखाया उसने। और ये जरा माला निकालो। माला ये भी तो भूल गए थे आप, रागिणी की छत पे। अब सीधा सीधा सब कुछ बताओगे या तुम्हारी हीलिंग हम शुरू करें? हाँ मैं गया था रागिणी के घर। ये लीजिए, यह आपकी पाचन क्रिया में मदद करेगा। मैं भी पी लेता लेकिन मेरी अब टैक्सी आएगी, आप ही आनंद लीजिए इसका। अब आप सोने जाइए, टैक्सी आते ही मैं निकल जाऊंगा। आप जाइए, मैं इनके साथ रहता हूँ। उस रात रागिणी अपने कमरे में चली गई और यहाँ मैंने ही राजवीर के मर्डर को काला जादू की पूजा की शक्ल दी और वापस आ गया मुंबई। राजवीर को क्यों मारा? ताकि उसके कत्ल के जुर्म में रागिणी पकड़ी जाए। लेकिन क्यों? मैं मीना को मदद कर रहा था ताकि मीना को अरविंद मिल जाए। मीना मेरी सच्ची चेली है, हम दोनों ने मिलकर ही ये प्लान किया था। मैं अरविंद से किसी भी हालत में शादी करना चाहती थी, पर अरविंद की बीबी रागिनी वो उसे किसी भी हालत में तलाक नहीं दे रही थी। इत्तेफाक से रागिनी भी सर्वेश की शिष्या बन गई थी और फिर हमने इस मौके का फायदा उठाया। सर्वेश ने रागिनी को कॉन्फिडेंस में लिया और खुद को चोट पहुंचाने के लिए कहा, और फिर मैं भी ठीक उसी समय उसी जगह खुद को चोट लगा लेती थी और रागिनी के डिटेक्टिव ने उसे सारी जानकारी दी। सर्वेश ने राजवीर को मारा क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि इल्जाम रागिनी पे ही जाएगा, क्योंकि सब जानते थे कि वो जादू टोना यानी काला जादू करती है। आपके सर्वेश तो गए जेल में, अब बाकी की बची हुई सेल्फ हीलिंग आप भी जेल में कर लीजिएगा। सर एक ऑटो ड्राइवर मिला है, मर्डर वाले दिन उसने त्रिशा को देखा था। जब मैंने त्रिशा के बारे में उससे पूछा तो उसने कहा कि त्रिशा ने किसी और के साथ उसका ऑटो शेयर किया था। अरे देना। यस सर। साहब 20-22 साल का लड़का था, वो लड़की ऐसे रोड के साइड पर इंतजार कर रही थी तो लड़के ने उसको देखा और मेरे को रिक्शा रोकने के लिए बोला। अरे यार मेरी एक प्रॉब्लम हो गई है, सॉल्व करनी है, हेल्प करेगी क्या? हाँ चलो ना। अच्छा फिर? सब उन दोनों ने रिक्शा में ज़्यादा बात नहीं किया तो मैंने उनको गणेश नगर छोड़ा और वहाँ से निकल गया। प्रतीक से फोटो दिखा रहा था।
नहीं नहीं साहब, ये नहीं था साहब, वो लड़का ऐसा चिकना था, उसके यहाँ पे ऐसा निशान था साहब। बैकवर्ड यही था साहब, यही था। बताइए क्यों मारा त्रिशा हुआ? अरविंद ने निखिल को पैसे भेजने बंद कर दिया था, शायद वो मीना को पैसे दे रहा था, और ये फैक्ट्री तो मेरे पापा ने बनाई थी, और उसे अरविंद लाखों कमा रहा था, लेकिन मुझे उससे कुछ नहीं मिल रहा था। और जब अरविंद ने जिक्र किया कि त्रिशा की शादी करके फैक्ट्री की सारी जिम्मेदारी वो उस पर सौंपने वाला था, तब मैंने सोच लिया कि त्रिशा को रास्ते से हटाना ही होगा। अरे लेकिन त्रिशा तो सब कुछ छोड़ छाड़ के पुणे जा रही थी ना। हाँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि बाप का पैर उसे वापस नहीं ले आता? त्रिशा को तो मारना ही था। मैंने निखिल को रोक लिया मेरी मदद करने के लिए, मैंने इसे बता दिया त्रिशा बस स्टैंड के लिए कब निकलने वाली है, और ये रिक्शा पकड़ के उसके पास चला गया। मैं घर कभी नहीं आऊंगी, और मुझे दोबारा कभी कॉल मत करना डैड। त्रिशा, त्रिशा। दादा आप यहाँ कैसे? अरे यार मेरी एक प्रॉब्लम हो गई है, सॉल्व करनी है, हेल्प करेगी क्या? हाँ चलो ना। तो तुम्हें लगा कि ऐसा करने से रागिनी रास्ते से हट जाएगी, लेकिन मीना का क्या? अरविंद सब कुछ मीना को दे देता तो? हम लोग ने मीना और अरविंद को मारने के प्लान पे भी काम करना शुरू कर दिया था। अरे वो सब तो हमारा था, मेरा और मेरे बेटे का था, वो हमें मिलना चाहिए था। संपत्ति के मोह में तुम दोनों माँ बेटे किस हद तक जाने के लिए तैयार हो चुके हो, इस बात का रियलाइजेशन है तुम्हें? अपनी जिंदगी में सब कुछ सही करने की चाहत ने रागिनी को मीना और सर्वेश के हाथों की कठपुतली बना दिया था। मीना एक नए पार्टनर के साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहती थी, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन राजवीर की लाश पर अपने सपनों का महल खड़ा करना ये भी साबित करता है कि इंसान भले ही दिन ब दिन अमीर होता चला जाए, लेकिन मॉरली और इमोशनली वो बैंक्रप्ट और दिवालियाई होता जा रहा है। भावनाओं से भरे हमारे मन का इस तरह निर्मम और बंजर हो जाना सचमुच भयावह है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।